देखेंगे, हमारा टॉपिक है सोइल टाइप एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, मिट्टी के प्रकार और उनका क्लासिफिकेशन। तो हम जानते हैं कि सोइल क्या है। ठीक, सोइल किसे कहते हैं? पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह की उथली परतों को ही क्या कहते हैं? सोइल कहते हैं। हम सब जानते हैं इसका निर्माण मिट्टी के ठीक नीचे चट्टानों के डिकम्पोजिशन और उन पर कार्बनिक पदार्थों के फलस्वरूप ही हुआ है। ठीक, या फिर हम कह सकते हैं कि मिट्टी के जो ऊपरी सतह पर पृथ्वी के जो ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रित कणों को ही क्या बोलते हैं? मिट्टी कहते हैं। ठीक, ऊपरी सतह से मिट्टी को हम हटाते हैं तो उसके नीचे चट्टान पाई जाती है। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि गहराई पर ही चट्टान मिल जाती है। ठीक है, और सोइल पर ही अधिकांश वनस्पति और जंतु स्थायी रूप से निवास करते हैं। सोइल में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक, तो ये सोइल का, हम सोइल के बारे में जानते ही हैं। आगे देखेंगे सोइल का टाइप। तो सोइल कई टाइप के होते हैं, आप लोग जानते हैं। जैसे कि कहा जाता है दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, अनेक मिट्टी पाए जाते हैं। इंडिया में भी कई सारी मिट्टी पाए जाते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं क्ले सोइल होता क्या है। फर्स्ट है क्ले सोइल। ठीक, तो क्ले सोइल इज अ हेवी सोइल, यानी कि जो क्ले सोइल होता है आपका हेवी सोइल होता है। ठीक, और ये हाई न्यूट्रिएंट पर लाभान्वित होता है। ठीक, आगे सेकेंड है सैंडी सोइल। सैंडी सोइल इज अ लाइट वार्म एंड ड्राई। ठीक, तो सैंडी सोइल को हम क्या कहते हैं? बलुई मिट्टी। ठीक है, तो सैंडी सोइल लाइट वार्म एंड ड्राई होता है तथा पोषक तत्वों से भरपूर और कम होता है। ठीक, आगे थर्ड है सिल्ट सोइल। तो सिल्ट सोइल को बोलते हैं हिंदी में गाद। ठीक, तो इन सोइल के कणों का आकार बालू से छोटा होता है, किंतु जो मृतिका होता है दूसरा सोइल उनसे बड़ा होता है। और सैंड जो सिल्ट सोइल होता है जल में घुला अवसाद के रूप में पाया जाता है। ठीक, आगे चौथा है पीटी सोइल। ठीक, तो जो पीटी सोइल होता है यह प्राकृतिक रूप से पौधों के ऐसे एनवायरनमेंट में सड़ने से बनता है जिसमें पानी अधिक मात्रा में हो तथा ऑक्सीजन कम मात्रा में होता है। ठीक, आगे पांचवा है चाकी सोइल। ठीक, ये चौक के समान होता है। तो चाकी सोइल में क्या होता है, ज़्यादातर कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है जो समय के साथ निर्मित होता है और यह मुख्य रूप से आमतौर पर उथला होता है, जैसे कि ये पत्थरी और जल्दी सूख जाता है। पानी की मात्रा क्या होता है इसमें, पानी की मात्रा अगर ज़्यादा मात्रा में हो फिर भी क्या होता है, ये मिट्टी पानी को क्या करता है, जल्दी सुखा देता है। अगला नंबर है लॉम सोइल। ठीक, इसको बोलते हैं दोमट मिट्टी या फिर इसको लोमी सोइल भी बोलते हैं। यह सोइल जो सैंड सोइल और क्ले सोइल का मिश्रण होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, जल और वायु का प्रवेश आसानी से होता है। और जो लोमी सोइल होता है वो कृषि के लिए उपयुक्त होता है। आगे देखेंगे टाइप ऑफ सोइल इन इंडिया। इंडिया में भी कई तरह के कई सारे सोइल पाए जाते हैं, जैसे कि एल्यूवियल सोइल, जो सोइल एक स्थान से दूसरे स्थान पर दल द्वारा पहुंच जाता है। उसके बाद है ब्लैक सोइल, रेड सोइल, आप लोग जो जानते हैं, लेटेराइट सोइल होता है, डिजर्ट सोइल होता है, सैलिन एंड एल्केलिन सोइल होता है, फॉरेस्ट सोइल होता है। ये सब सोइल के टाइप हैं जो इंडिया में पाया जाता है।
ठीक, तो आगे देखेंगे हम लोग सोइल का क्लासिफिकेशन। ठीक, तो सोइल क्लासिफिकेशन या सोइल को उन क्लास या ग्रुप में विभाजित करता है जिसमें से प्रत्येक में समान विशेषताएं पाई जाती है और उनसे संभावित समान व्यवहार होते हैं। तो सोइल का जो क्लासिफिकेशन होता है वो कई प्रकार से होता है। सोइल का क्लासिफिकेशन को निम्न प्रकार से किया जाता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेड सोइल। ट्रांसपोर्टेड मतलब समझते होंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसपोर्ट होना। ठीक, तो एजेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेड सोइल, इसके ट्रांसपोर्टेड सोइल के कई सारे एजेंट्स हैं। फर्स्ट है एल्यूवियल सोइल। ठीक, इसको बोलते हैं जलोढ़ मृदा। ठीक, तो एल्यूवियल सोइल या जो जलोढ़ मृदा होता है वो सोइल एक स्थान से दूसरे स्थान जल द्वारा पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद है सेकेंड रेसिडियल सोइल। रेसिडियल सोइल को बोलते हैं अवशिष्ट मृदा। ठीक, तो जब सोइल बनने की सारी प्रोसेस उसी स्थान पर होती है तब मिट्टी उसी स्थान पर रह जाती है, यानी कि रेसिडियल सोइल में जो सोइल बनता है वो सारा प्रोसेस जब मिट्टी बनने की प्रारंभिक क्रिया से लास्ट अंतिम क्रिया तक उसी स्थान पर ही होता है। तो इस प्रकार के मृदा को हम अवशिष्ट मृदा कहते हैं। उसके बाद है अगला सी ग्रेविटेशनल सोइल, इसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षणीय मृदा। तो यह जो सोइल होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा होता है, अभी गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। ठीक, डी है इवेलियन सोइल। ठीक, इवेलियन सोइल को बोलते हैं हम वातोड़ मृदा। तो यह सोइल क्या होता है, हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक, अगला है ग्लेविशियल सोइल। ग्लेशियल सोइल को हम बोलते हैं बर्फीली मृदा। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं बर्फीली मृदा। यह बर्फीली तूफानों द्वारा क्या होता है, बर्फीली तूफानों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। मतलब यह जो मृदा होता है तूफान के आने से या फिर तूफानों द्वारा ही ये उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। ठीक है, तो ये था सोइल का क्लासिफिकेशन।